السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه.

खुतबा दिया अल्लाह की किताब की रगबत मोहब्बत सब दिलाई बयान किया और उसमें फिर आपने सवाल किया कि बताओ तुम ये सारा मैं आपको हदीस शरीफ से बता रहा हूँ तुम्हारे सामने आज पढ़ी तुम क्या इसको मानते हो कि नबी मोमिनों को उनकी जानों से ज्यादा अज़ीज़ है सबसे औला यानी हर चीज से मेरी नफ्स मेरी जान माल दुनिया की हर शेय से ज्यादा अजीज कौन है मेरे लिए अल्लाह के नबी आल सलाम ने सहाबा कराम से पूछा कि क्या मानते हो ये सब तो उन्होंने कहा बला या रसोल्ला यानी बला या रसोल्ला इसका मतलब होता है पक्की ताकीद के साथ ये नाम से ज्यादा बड़ी तस्बीत है एक तस्बीत होती है नाम जी जब कहते ना भला बिल्कुल यानी बिल्कुल मानते हैं तो आपने फिर हाथ खड़ा किया

उस अपने साथी उस अपने सहाबी उस अपने प्यारे उस अपने भाई का हाथ उठाया जिसके जिसका नाम है अमीरुल मोमिनीन, उनके लकब अलकाबाद के साथ में उनका आपके सामने बात करूंगा कहा अः अः किसका हाथ उठाया कहा आ, वो वो शख्सियत कौन है मैं क्या किनका नाम लेना चाह रहा हूँ अमीरुल मोमिनीन अमीरमोम खलीफतुलमुसलम मौला अली करमल्ला वजह करकरीम व रब्ला और व मशहूर बिलखबी ही अबू तुराब अबू तुराब अबुल हसन अली इबन अबी तालिब्लासलाम करमल्ला वजहलकरीम का आज जिक्र खैरून मैं इस वाक़े से करना चाहता था कुरान के तस्करे के साथ क्योंकि अल्लाह के नबी सलाम ने ये जब मकाम अपना बताया ना उसके साथ जो, जो जोड़ा और ये आपको सिलसिलासिया में ये हदीसों में से एक है मुतवा हदीस ये अलबानी की सिलसिला सियाह उसकी ये है जी चौथी जल्द और चौथी जलद में इसका सफा नंबर है तीन सौ तीस 1750 नंबर हदीस है और ये कई सफ़े चलती जाएगी ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये खुतबा याद रखिएगा जिसमें आपने रसोल ने कहा जो मुझे मौला मानता है वो अली को मौला मान ले मगर ये मौला का खिताब देने से पहले आपने अल्लाह की किताब से कुछ पढ़ा क्यों पढ़ा कि याद रखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ा तवील खुतबा था जिसमें आप ये बात कह कर गए तो अल्लाह के नबी रसलत ने कुरान का रेफरेंस क्यों दिया ये सोचने की बात है कुरान का रेफरेंस अल्लाह के नबी रसलत ने इसलिए दिया कि आप ने ये बेशुमार इसके सही रिवायात हैं ये भी हदीस में कि आपने कहा कि मैं अपने बात तुम्हारे लिए इन्नी तारी को मस्त तुम्हारे पास दो भारी भरकम चीजें छोड़े जा रहा हूँ अब्वलम किताबल पहली उनमें है अल्लाह की किताब उस उन दो भारी बरकम चीजों में अल्लाह की किताब को पकड़ लो मजबूती के साथ उसको अदुहा बिन नवाज फो अः फदसा व रगबाब ने इसकी तरफ रगबत दिलाई इसकी तरफ मोहब्बत पैदा करेगी इस कुरान को ना छोड़ना इसको ना भूलना इसकी तालीमत इसका पैगाम इसका मैसेज इसको अपने घरों में मुआरे में इसको ले कर चलना है। ये सारी इसकी रगबत दिलाई ये एक और ख़ुत रसूलमा ये कुरान का हवाला इसलिए बहुत जरूरी है और फिर आपने कहा वह सानी उसके बाद दूसरी चीज़ वह आतरती आलुबाई थी दूसरी बारी बरकम चीज मैं तुम्हारे बीच में छोड़े जा रहा हूँ मेरे अहल बैत मेरेत अतहार उन अहल अहल बैत अतार में से एक हैं सयदना अली करमल वजह करीम जो रसोल वसम के सहाबी भी हैं आपके खानवादा भी हैं आपका घर भी हैं आपके करीबी भी हैं आपके बनो हाशिम से भी हैं यानी तेहरी चौहरी चार चार नस्बतें हैं जो आपको एक के साथ साथ और इतने सारे मकामा और अलबात और टाइटल्स दे देती हैं कि आप एक यू आर नॉट जस्ट एन ऑर्डनरी सहाबी यू आर नॉट जस्ट ए कम्पेनियन इसलिए जब हम उनका जिक्र करते हैं तो अगर कोई ये ये ना सिर्फ कहते तो बस सहाबी हैं ये नहीं ये आपने गिरा दिया उनका मकाम ना इस तरह नहीं करना ये वो हस्तियाँ हैं जिनको अल्लाह अल्लाह ताली रसोल्ला पर वही उतार रहा है और रसोल्ला वहीं से बता रहे हैं कि तुम नबी को मानते हो अपनी जानों से अजीज़ ये मनवा के सब की हाँ करवा के सब मान गए हज से वापसी पर या आपके चंद आखिरी चंद एक खुतबात में से एक है फिर आपने हाथ पकड़ा और कहा फिर याद रखना जो इसको मुझे मौला रसुल्ला ने कहा पहले मुझे नबी को मौला अपना मान लोगे तो फिर अली को भी मौला मानना है अगर नबी को मानते हो जानों से अजीज़ अपनी जानों से ज़्यादा महबूब अपनी जानों से ज़्यादा प्यारा तो फिर तुम अली को भी ऐसा ही मानोगे मनकुन तो मौला फहादा अली मौला और फिर आपने दुआ की उसके बाद बहुत बड़ी दुआ है कि अल्लाह जो इससे मोहब्बत करते हैं इससे प्यार करते हैं तो उनका वली हो जा व आद मन आदा ये टुकड़ा अगर हमने पढ़ लिया सबको माने भी समझ आ जाएंगे या अल्लाह जो इससे प्यार करें इससे मोहब्बत करें इसको अपना वली माने उन उनका तू वली हो जा और जो इससे दुश्मनी करें इससे बुग़ज़ करें इससे अदावत रखें उसका तू दुश्मन हो जा आप अल्लाह उन, उनसे दुश्मनी करना बहुत बड़ी बात है तो आज उन शख्सियत की बात हो रही है जो सिर्फ़ एक सहाबी नहीं है बल्कि वो रसुल्ला के अहले बैत भी हैं और रसोल्ला के अहले बैत में ख़ास चुने हुए अहले बैत हैं और उन खास चुने हुए अहले बैत में वो ख़ास मक़ाम है कि जिन के रसुल्लासम ने जिनके लिए हाथ अब पकड़ के कह दिया कि इसको अपना मौला मानना ये वो मकाम है कि जिसके बाद सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू अय्यूब अल अंसारी ऐबलसारी रूल एक दफ़ा तशरीफ़ लाए आप तशरीफ़ लाए और यू अबू ऐबलसारी सफ़ा नंबर तीन सौ चालीस के ऊपर सिलसिला तो अच्छा तो सयाहासरुद्दीन अलबानी की इसकी चौथी जल्द है और ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि असल जो हदीस है उसका नंबर है सत्रह सौ पचास ये तीन सौ चालीस सफ़े पर अबू ऐबारी रज़ुल्ल आए तो उन्होंने वो एक्चुअली बताते हैं कि आप थे और और लोग भी थे तो जा रतलाम या मौलाना ए हमारे मौला आप पर सलाम हो मौला तो आपने आगे से कहा कि कई अकून मौला को ये वो यूबलारी हैं इसके रावी रज शायद उन्हीं में लोगों में शामिल थे तो कहा मैं तुम लोगों का कैसे मौला हो सकता हूँ वह तुम कऊन अरब मौला का एक मतलब सरदार भी है ना और ये आ, और उसके बाद और मौला का एक मतलब सरदार और गुलाम का रिश्ता भी है आ, तो कहा तुम भी अरब हो तो हमारा गुलाम और सरदार का क्या रिश्ता तो आपने कहा नहीं 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 वो नहीं वो लेके जा रहे हैं रसूल क्या मनकुंत मौला रसूल्ला जब आपको रसूल्ला ने मौला कह दिया तो आप हमारे सरदार भी हो गए हमें अपने गुलाम ही समझे हमें अपने खादिम ही समझें आप हमारे मौला हैं महबूब हैं ये हमारे प्यारे हैं हमारे दिल की जान है तो मौलाना ये जो मौलाना लफ्ज है ना जो हम कराम के लिए इस्तेमाल करते हैं सारे अला अरबी में कहते हैं अलारासी सब यू नो अल्लाह उनको सलामत रखे मैं कोई तो नहीं कर रहा आलमों को मौलाना कितने आराम से बोल देते हैं दफ़ा तो बड़े तहकीरी अंदाज में बोल देते हैं वैसे ही ओ, मौलाना है जी मौलाना है ये ये मौला छोटा लफ्ज नहीं है मौलाना हमारे मौला कितनी बड़ी चीज है तो ये उनका जिक्र हो रहा है अब मैं इनकी जिंदगी का आपको रसूल के साथ जो ताल्लुक है ना एक छोटा सा सिनॉपसिस दूंगा सिनॉपसिस समझते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसमें आप एक यू नो रंग भरते जाएंगे खुद ब खुद और ये कुरान के बाद हमारे पास जो ऑथेंटिक डाटा है ना बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा इंशाल्लाह सही हदीस की रोशनी में और हमारी सीरत की किताबें तारीख़ी किताबें उनसे ये है कोई चीज़ इंशाल्लाह इसमें बनावटी नहीं होगी मैं अपने पास से नहीं कोई बना रहा बल्कि हर एक चीज़ की मैं दलील लेकर आया हूँ मेरे पास अलहमद यहाँ किताबें मेरे सामने रखी हुई हैं और ये मेरे दाएँ हाथ पर पूरी बुक शेल्फ भी मौजूद है लाइब्रेरीज भी है आपको जो चाहिए होगा हम रेफरेंसेस बाद में प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह जब इसका लिंक बनेगा तो आपको वो पूरा मिल जाएगा इन रेफरेंसेस सब मिलेंगे इनशा अब हम इनका तस्करा करते हैं सदना अली मौला अली इनका रसूल वल्लम से क्या रिश्ता है भाई आपके चचा अबू तालिब उनके ये हैं बेटे याद रखिए रिश्ता रसूल वसलम की परवरिश जब दादा भी फौत हो गए आप बहुत छोटे थे आठ साल के थे तो आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल तने तनहा रह गए थे सब चचाओं में जिस चाचा ने बढ़ के रसूलुल्लाह को सीने से लगाया वो अबू तालिब थे जी हाँ किफालत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिम्मा अबू तालिब ने लिया क्योंकि रसूल्लासो सिर्फ आठ साल के थे माँ चली गई छे साल की उम्र में आठ साल की उम्र में दादा चले गए अब्दुल मुत्तलिब तो पीछे बने हाशिम के ये जो सरदार थे सारे चचा इन चचाओं में जिस चचा ने ये स्टैंड लिया जिससे अल्लाह ने ये काम लिया वो हैं अबू तालिब उन्होंने रसूल रसोल्लासम की परवरिश की और उन्हीं के चूंकि वो रसोल्ला की परवरिश कर रहे थे तो उसी घर में जाफर भी हैं अकील भी हैं अलाद अबी तालिब है और ये औलाद अबी तालिब का ख़ास मकाम इतने हदीसों में बताया गया कि इसका अंदाज़ा नहीं आले जाफ़र अब्बास अकील ये इनका बहुत मकाम है अफकोर्स अल अली तो सबको बताइए वहाँ से आले अली तो फिर वो हसन और हुसैन और उम्मत क्यों कैसे नहीं जानती तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मेचोरिटी को पहुँचते हैं तो अली उस वक्त कम सिन ही में है। छोटे उम्र कम है यानी ये देखें ना कस्बा बदर में आपकी उम्र मुश्किल से मेरा ख्याल है सत्रह अठारह साल के करीब होगी तो वो कम सिन अली जो है ना जब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही उतरती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते हैं तो आपके घर में कौन है सय्यदा ताहिरा ख़दीजतल्कुबरा हमारी माँ और उम्मत की पहली मोमिना मोमिना जन्नती सरदार जन्नती सरदार है याद रखिएगा फातिमा से पहले माँ को ना भूलिएगा फातिमा की माँ है ये कम है क्या बस जब किसी कमाल के बच्चे को देखना पूछते इसकी माँ कौन है तो जब फातिमा को लोगों ने देखा तो सवाल उठा उसकी माँ कौन है उसकी माँ खदीजा है ये तारुफ क्या कम है खदीजा की माँ खदी फातिमा की माँ और खदीजा की बेटी फातिमा यही इनके तारुफी काफी हैं तो उन वो अम्मा खदीजा और गुलाम थे जो खादिम रसूल जो जिनको आपने अपना बेटा भी बनाया जैद अबन हारिसा वो थे और तीसरे अली थे ये तीनों ने साथ ही कलमा पढ़ा इसीलिए इमाम नसाई ने यहाँ पे आ, इसके अंदर सुनन नसाई के अंदर सुनन अपनी सुनन कुबरा के अंदर है मगर इसकी अलहदा से किताब है अल खसाइस अली के नाम से कि अली के वो खसाइस खसाइश अमीर अली इबन अबी मैं टाइटल एज इट इज पढ़ाऊं जिस तरह इमाम नसाई का है तो वो क्या बताते हैं अवलुमन असलम सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा ना सबसे पहले जिसने रसोल्ला के हाथ पे कलमा पढ़ा वो इन तीनों में से एक कौन है अली है ये शुरू में बिल्कुल शुरू में यह है और याद रखें यह बड़ी खास खास कलेक्शन है अब्वलू मसल्लीबन अबी तालब ये वो कलेक्शन है जिसके लिए इमाम नसाई की इमाम नसाई जो है ना उन्होंने हक अदा किया है हब हुबे हलेबैद का तो बहनों भाइयों याद रखिए जो मैं बातें बता रहा हूँ ना आज ये सारी एग्रीड अपॉन है इसमें शिया सुन्नियों के दो वर्जन नहीं होंगे आज मैं आपसे सिर्फ वो बातें करूँगा जो शिया और सुन्नी की कॉमन है एग्रीड अपॉन है इस पर झगड़ा नहीं है ये हमारी किताबों में भी मिलेगा कि अली पहले मुसलमान है और मैंने आपको सिनॉपसिस पिक्चर खेच दी कि, कि कैसे हुआ कि जब घर आए तो घर में कौन थे आप आपके घर में अली थे क्योंकि अभी तालिब अबू तालिब ने आपको आपकी परवरिश की और आप आगे अली को ले चुके हैं अली आपकी समझे आपका अपना बच्चा है तो अली और उधर से अम्मा खदीजा और सईद जैदब ने हारिस यही तो पहले मुसलमान है घर में यही तो तीन थे तो कैसे नहीं हो सकते अली सबसे पहले मुसलमान तो अली ने कलमा सबसे पहले पढ़ा और अवलुमन अब वलुमन सल्ला रसोसम अलीब ये सारी जो ये जो किताब है ना खसाइस ये अरब की प्रिंटेड है अहले सुन्नत के मकतबों की प्रिंटेड है और नीचे तहकीक लिखी हुई कि इसके रिजाल सही हैं जी हाँ रसूल्ला के साथ, सबसे पहले फिर इन्होंने नमाज पढ़ी फिर रसूल सल्लम पर जब हिजरत का वक्त आता है तो रसूल्लाह के बिस्तर पर कौन सोया ये सारी उम्मत जानती है कोई इख्तिलाफ ही नहीं है आज तो बातें वो होंगी जो सब मानते हैं रसोल्ला के बिस्तर पर कौन सोता है अली इब्ने अबी तालिब और रसूल वसल्लम के बिस्तर पर सोने वाला अली इब्ने अबी तालिब को पता है कि मैं मौत के मुंह में हूं इस वक्त हमला होना है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उनकी जान पर अटेम्प्ट है देयर इज एन अटेम्प्ट ऑन हिज लाइफ मगर अली रसूल्ला ने कह दिया कि यहाँ तुमने सोना है और तुम मेरी अमानतें लौटा के आओगे तो अमीन बिल्कुल एक अमीन सदक उल अमीन का अपॉइंटेड सादकुलमीन की तरह आपने ये आ, टास्क पूरा किया आप वहाँ मौजूद थे और आप जहरी बात अबू तालिब के बेटे तो वो कुरैश जुरत ना कर सके उनको मारने की तो उसके बाद जब आप फिर हिजरत करते हैं थोड़े ही अरसे में दूसरे साल ही गजबाई बदर आ जाता है ये बड़ा लश्कर लेके आते हैं ये लोग आ, काफले की तरफ जा रहे थे मुसलमान तो पता चला अबू सुफियान तो निकल चुके हैं उधर से जनाब अबू जहल तशरीफ ला चुके हैं और उसकी समझ आई भी थी अल्हम्दुलिल्लाह और शैबा उतबा ये सारे बड़े बड़े जो थे ना सरदार ये नाम याद रखिएगा शैबा और उतबा ये दो बड़े नाम याद रखिएगा और अकबा भी ये बड़े बड़े जो सरदार थे ना तकरीबन बारह के करीब जो थे ना उन पर अली की तलवार चली गजवा बदर में रसूलुल्लाह के शाना बशाना बारह बड़े बड़े जो सर थे ना कुचले कुफर के अली ने कुचले रसूलुल्लाह के साथ यानी कोई ऐसा गजबा ही नहीं जिसमें वो रसूलुल्लाह के साथ नहीं अब हम जरा फास्ट फास्ट फॉरवर्ड जा रहे हैं तो हर गजबे में अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ हैं वहां कुफार के सर कुचल दिए बड़े बड़े सरदार कत्ल किए याद रखिएगा ये रतबा नाम याद रखिएगा बाद में आपको तारीखों में जब आप पढ़ेंगे ना वलीद रतबा वलीद बबन उकबा ये औलादें इन लोगों की याद रखिएगा तो फिर वो वक्त आता है जो अब हम मदनी जिंदगी के दरमियान में पहुंच चुके हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अली का सिलसिला चल रहा है और आ, ये जो गज़बा है इसका नाम है गजबा खैबर गजबाए खैबर जो है किसको नहीं पता उम्मत को गजवाए खैबर बहुत खतरनाक गजबा था बड़े पावरफुल जैसे आज के दौर की यहूदी ताकतें हैं ना इस तरह बहुत बड़ी समझे सल्तनत बनी हुई थी मदीना के बाहर वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमला किया और एक जगह हमें बड़ी दिक्कत हो रही थी मुश्किल हो रही थी तो वो किला फतः नहीं हो रहा था तो यहां सल्लल्लाहु रसूल सलेम ने कहा कि मैंने अब झंडा उसको देना है जी आपने कहा मैं उसको झंडा दूंगा सुबह फता नहीं हो रही थी ना तो आप ने कहा बताता हूं। हाँ। बड़ी जबरदस्त बात है मैं आपके सामने एक्चुअली अरबी कोर्ट करना चाहता हूं आप ने बड़े जबरदस्त अल्फाज बोले जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं तो आपने कहा कि मैं झंडा उसको दूंगा जो जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है और जिससे अल्लाह और उसका रसूल भी मोहब्बत करते हैं दोनों तरफ से ये बहुत बड़ी बात है देखें अल्लाह ताला और रसूल की मोहब्बत का सर्टिफिकेट दोनों तरफ से सिर्फ एक तरफा नहीं अल्लाह उससे राजी और वो भी अल्लाह से राजी नबी उससे राजी और वो भी नबी से राजी अल्लाह उसको झंडा दूंगा ये वो दिन था जब बड़े बड़े किबार बड़ी बड़ी शख्सियात सहाबा की जिनके दिलों में तमन्ना आई कहते हैं हमें कसम खुदा की जिंदगी में कभी हैरस नहीं हुआ लीडरशिप का मगर इस दिन वाकई ये तो इतना बड़ा सर्टिफिकेट है ईमान का सर्टिफिकेट जन्नत का सर्टिफिकेट है मकाम आला का सर्टिफिकेट है दोनों तरफ से कभी नहीं मिला डबल साइडेड किसी को नहीं ऐसे मिला ये वो सर्टिफिकेट है जिस पर साधि ने अभी ने बाद में एक दफा बोला एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ बड़ा खतरनाक सही मुस्लिम में उसका जिक्र है कि अगर मुझे पूरी दुनिया की दौलत भी देनी पड़ जाए ना इस एक फजीलत के लिए मैं ना छोड़ू ये है वो दिन जिस दिन मौला अली की आंखें दुखी हुई थी आशूब चश्म था या कोई भी मर्स था जो भी था हमें नहीं मालूम तफसीलात उसकी उस जमाने में जो भी था आपको आंखों में दर्द रहता था आप आ नहीं सके तो सुबह आपने पूछा कि लेकर आओ अली कहा है तो उन्होंने कहा उनको तो ये मसला है तो रसोलस ने अपने लुआब मुबारक से आपकी आंखों को वो लगाया लुआब मुबारक एक जगह है आपने यूं किया तो लुआब मुबारक के जो छींटे उनकी आंखों में गए ये सही मुस्लिम में सारा वाक्य और ये मैं इस मेरे सामने इस वक्त सुख सिलसिलासिया मैं आपके सामने अरबी से पढ़ रहा हूँ अरबी में सामने रखा हुआ मैंने तो ये बहुत लंबी हदीस है बड़ा लम्बा वाक़ ये मैं फास्ट फॉरवर्ड किए जा रहा हूँ आपके लिए ताकि ये तस्कर खैर हो जाए कि हम बात किसकी कर रहे हैं किसकी विलादत के तस्करे हो रहे हैं किसका मकाम बयान किया जा रहा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा أتيت به رسول الله صلى الله عليه وسلم ياس فبسق فبسق في عينيه فبرأ وأعطاه الرأي ये जबरदस्त बात बताने तो बसक इसे कहते हैं बासीन काफ बसक ये नहीं होता बसक का मतलब होता है यूं डायरेक्ट लुआब सीधा आंखों में आपने यूं किया और उसके बाद कभी मौला अली की आंखों में तकलीफ नहीं हुई रसूलुल्लाह का लुआब कोई आम आदमी का लुआब है और फिर आपने नसीहतें की और जब पहलवान मरहब से मुकाबला हुआ तो मरहब साहब यह पूरा जरा लपेटे हुए अपने आप को जनाब लोहे के पीछे खड़ा होकर के बड़के मार रहा है जैसे कोई बंदा अपनी आर्मर्ड हमवी के अंदर बैठा हो और बड़के मार रहा हो इस तरह जनाब साहब इन्होंने कहा कि उसने कहा मरहब ने कदि मरहब शाह मुजरब इदलूब अकबल अकबलत के मैं हूं खैबर जानता है कि मैं मरहब हूं और मैं उसके अंदर मैं मरहब हूँ और मैं वो मैं मरहब हूँ कांटेदार असला रखावत और मैं बहादुर हूं मैं तजर्बेकार हूं और ये और वो अपनी तारीफें पुल बांध रहा। हैं जी तो तो यहाँ पर मैं मरहब के पहले आपको ये बता दूं कि मौला अली ने क्या कहा कोई वजह ही थी ना रसूल ऐसा इतना बड़ा कर रहे हैं तो आपने कहा था ला लातुल्लाह रसूल दोनों तरफ से अल्लाह रसूल की मोहब्बत उसकी भी और अल्लाह और रसूल, रसूल भी उससे मोहब्बत करते हैं ये थे वो अल्फाज में ढूंढ रहा था तो जब मरहब ने चैलेंज किया ना ये उस वहीं पे जिक्र हुआ तो आपसे उसने झंडा दिया कि अली आप जाओ दुआएं दे दी फतेह आपके हाथों ही होनी है अब देखें फिर ईमान क्या अब वो नाम एक ऐसा जिक्र करने वाले हैं जो हमारे यहां बहुत सारे बच्चों को दिया जाता है बल्कि पाकिस्तान में तो मशहूर भी है ना इस नाम के साथ एक अवार्ड भी मशहूर है सुनिएगा फ़ाल अली जब मरहब ने ऐलान कर दिया ना आ, खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ खैम खैबर जानता है कि मैं मरहब हूँ और कितना मुजर्रब हूँ कितना ज़बरदस्त हूँ मैं मेरा असलह और ये और वो गरूरी गरूर अब मोला अली अपना तारुफ कराएँगे अनल लदी सतनी उम्मी हा हई दरा लदी सतनी उम्मी हई दरा कलेथी गाबातिन कैली गाबातिन की मंदरा हम बहुत मुश्किल है ये अरबी के अल्फाज आखिरी में खास तौर मैं वो हूँ जिसका नाम उसकी माँ ने हैदर रखा है हाँ जी हम हैदर करार भी उनको बोलते हैं ये भी एक आज सुन लीजिए उनका तारुफ अबू तुराब तो मशहूर है ना हैदर करार ऐसा शेर जो पलट पलट के अपने दुश्मन पे हमला करेगा गिव अप नहीं करेगा ये शेर का ऐसा शेर जिसकी से जंगल भी कांप जाए और फिर जब मैं हमला करता हूं तो दुश्मन को उसका पूरा पूरा हिसाब देता हूं फुलफिल करता हूँ पूरा देता हूं उसको जो वो डिजर्व करता है ना पंच डिजर्व करता है तो वही मिलेगा तलवार डिजर्व करता है तो वही मिलेगा तो इस पर जनाब मरहब ने हमला किया वो मरहब का हमला फेल हुआ आपके एक ही वार में वार में उसका लोहा चीरती भी आपकी तलवार ने उसको काट दिया और खैबर का किला ऐसे फते हुआ ये था गजवा खैबर का बयान एक गजबा ऐसा है जिसमें वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ टेक्निकली रसूल के साथ नहीं थे आखिरी हम एक बहुत बड़ी कैंपेन थी रसूल की गजबाए तबूक ये वो गजबा था जिसमें रसूल वसल्लम अपने साथ नहीं लेके जा रहे थे इनको अली इनकोअलीबन बेतल जो कि हर गजबे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे अब आपको पता है गजबा तबूक में क्या हुआ था वो तौबा पढ़िए अगर गजबा तबूक का पूरा मंजर आपने समझना है कि पीछे रह जाने वालों में तो सिर्फ मुनाफिक थे तीन वो जो साहबा कराम बड़े बड़े सहाबा हैं जिन्होंने कहा कि ये क्या हुआ हमारे इर्द गिर्द या तो औरतें बच्चे हैं या मुनाफिक हैं तो सोचें अली हो उनका क्या हाल होगा उन पर तो ये एटम बम से कम है क्या कोई ये खबर ये चीज की ये मंजर सोचे वो तीन साहबा जिनका किस्सा तोबा जिसके मुनासबत से सूरत का नाम तोबा है ये हाल है तो अली का क्या हाल होगा अगर उन तीन साहबा का ये हाल है जो पीछे रह गए तो अली जो कभी भी रसूल्ला का साथ नहीं जिसने छोड़ा कभी भी नहीं छोड़ा खुद आपका अपना कौल है आपकी अपनी मुबारक से निकला कौल है तो नहीं है ना ये सारी उम्मत जानती कहा मेरी मिसाल के उस बच्चे की तरह है जो हमेशा अपनी माँ के साथ चिपका रहता है मैं तो ऐसे रसुल्ला के साथ रहा हूँ हर वक्त, तुम लोग मेरा साथ क्यों नहीं दे रहे जो लोग साथ नहीं दे रहे थे उनको आपने ये बड़े दुख से ये बात की अपने दुश्मनों से खिताब किया बाद में जब आप खलीफ खलीफा राशिद बने खली खिलाफत आपके उसमें आई इख्तियार में तो अब अली के लिए तो ये अली जैसे बंदे के लिए, जिसने कभी रसुल्ला को छोड़ा ही नहीं उसके लिए तो ये एक आ, कहते हैं ना बम है आप सोचें आपको कभी ना पीछे छोड़ कर गए हो आपके वालदेन और वो अचानक आपको नहीं, इस दफा तुमने नहीं जाना और आपको वजह ना पता चली हो मतलब बस ये पता कि आप यहाँ हैं आपने घर संभालना है घर की टेक केयर करनी है तो अली पीछे गए क्या रसूलुल्लाह क्या आप मुझे औरतों बच्चों के साथ छोड़ के जा रहे हैं यानी अली की बहादुरी हैदर उम्मी हैदरा, सोचे दरा। वो अली संदरा, मैं मुझे छोड़ के जा रहे हैं यार वो भी तबुक वो रोमियों से मुकाबला है पहला मुसलमानों का रोमियों से मुकाबला होना था रोमी लोगों से यानी कि ये कॉकेजन वाइट आज का तो शाम सारे आप देखे ना वो क्यों गोरे गोरे शाम और लबनान के इलाके ये सारे रोमी थी किंगडम तो आपने कहा अली परेशान क्यों होते हो और ये जो रिवायत है ना इसके बहुत सारे तुरक में उनको करमल्ला वजह बोला गया ये जो करमल्ला वजह हुआ ये मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह चैनल एडमिन को और उसने लिखा मेरे कहने पर ताकि लोगों को पता चल जाए ये कर्रम अल्लाह वजह ये कोई मामूली खिताब नहीं है उनके नाम के साथ रदी अल्लाह की बजाय

जिसमें तोलिया के अंदर सादिब नबी वक़ास इसके रावी हैं और उन्होंने इसको करमहू के खिताब से नकल किया कि आपको रसोलम को ने जब अली को मुखातिब किया कहा तो राजी नहीं है कि तेरा मेरा रिश्ता तो वही है जो मूसा और हारून का है अल्लाह अपना भाई बना लिया आपने बिल्कुल भाई मूसा और हारून यानी वजीर उम्मीद अहली मूसा कोल्ला ने जब अहली हारून अखी भी तो मसला नहीं बाद में बस काम तुमने अब हारून वाला मेरे पीछे करने वाले हो यानी इसकी बस्ती की इस मदीना मनवरा की इस हमारी स्टेट के अब तुम हो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर तुमने ध्यान रखना है तुम्हें मैं हारून की तरह अपॉइंट करके जा रहा हूँ मूसा वापस आए तो सईदना हारून से उनका बड़ा शदीद झगड़ा हुआ जब रसूलुल्लाह वापस आए तो मोलाली से कोई झगड़ा नहीं हुआ क्योंकि बस्ती रियासत उसी हालत में थी जिस हालत में रसूलुल्लाह देकर गए थे संभालने बल्कि इवन इम्प्रूवमेंट आई वो तीन तोहबा वाले जो थे वो उन्होंने एक ने तो अपने आप को पहले ही बांध लिया जाके मस्जिद के सुतूनों के साथ साहबा कराम उनको हैरत हुई कि भाई यहां तो हम कैसे पीछे रह गए अली को तो रसूल ये कह कर गए हमें से तो किसी ने बात ही नहीं की बाइकआउट हो गया बड़ा सीरियस वाक्य यानी थिंग्स गॉट इवन बेटर फॉर द मुस्लिम ये बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल एनालिसिस है जिसको सारे मानते हैं ये सबको पता है कुरान देख लें फिर वही बात आ गई अली का कुरान के साथ कंपैरिजन होना है हारून कह दिया ना तो आप देख लें आप में, हारून सलाम किस आजमाश में पढ़े कौन बुतप्रस्ती का शिकार होगी मदीना बुत परस्ती का शिकार नहीं हुआ यानी ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन पूरा अमीन की तरह हिफाजत की बस नबुवत कादा बंद है ना काम अल्लाह ने नबियों के लेते रहना ना इस उम्मत से अली आप काम ड्यूटी संभाले मैं हारून जैसी नबी नहीं है आप नबी तो ला नबी आबादी याद रखेगा वो रसोल के ऊपर ये सिलसिला खत्म हो चुका है इसमें भी उम्मत के इतिहाद कि नबूत खत्म करने से उम्मत ये हमेशा के लिए एक हो गई है अल्लाह करे मुसलमान एक रहें कोई थोड़ी शर्म करें और झगड़ों से बाज आए जैसे अब रसोल इस दुनिया से जा चुके अब हम आगे मजीद फास्ट फॉरवर्ड करने लगे रसूल्लम दुनिया से जा चुके खिलाफत का दौर चल रहा है तो रसोलम ने यहाँ पर भी हमें एक खुशखबरी सुना दी कि एक वक्त आएगा तुम लोगों पर आजमाइशें आनी अब मैं आपके सामने वो किस्सा रखने लगा हूँ। ये आपको एक ही किस्सा समझ में आ गया ना तो आपको सारा समझ में आ जाएगा क्योंकि हुआ ये शहादत ओस्मान रजिलान और शहादत ऊस्मान रजिलान पर चौदह सौ साल से ना सुन्नी ना शिया, अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है मोला अली का शहादत उस्मान से बिल्कुल कोई लेना देना नहीं आपने खुद का किसी को शक है तो मुझे गुलाफ काबा पकड़ा के मुझसे कसम उठवा लो काबे के सामने खड़ा जहां चाहते हो मैं कसम दूंगा मैंने तो उस्मान की हिफाजत पर अपने बेटे कुर्बान कर दिए थे वो हिफाजत कर रहे थे मैंने नहीं उस्मान को शहीद किया और इसीलिए आप तीन दिन इनकार करते रहे कि मैंने नहीं बनना मुझे मत बनाना खलीफा बहुत काम खराब हो चुका है आप देख रहे थे कैसे जंग लगी हुई थी मुसलमानों में एक सिविल वॉर की सिचुएशन बन रही थी इराक में बगावत और मुख्तलि सल्तनत के हिस्सों में इंतजार बहुत टेंशन ही टेंशन उस वक्त चल रही थी तो मजबूर किया बहते दी आपको बड़े बड़े महाजर और अनसार यानी अहल राय ने हिल व राय उन्होंने आपको बैत दी और यही खलीफा इसी को तो कहते हैं खलीफा है बरहक कि जो वो खुद ना चाहता हो उसको लोग पकड़ के बना दें कैंडिडेसी जायज है मैं नहीं कह रहा कैंडिडेसी गलत है वो उस... एक्सक्यूज हम उस तरफ नहीं जा रहे मैं सिर्फ यही बात कर रहा हूँ ये अला तरीन काम आपने कियाकार किया बहरा कि किया। खलीफा बन गए आपको रसूल पाकलम ये बात पहले से बता गए थे कि ये जो मुश्किल टाइम आना ना इस टाइम में बहुत बड़ी एक चीज होने वाली है और इस इसमें वाकई बहुत बड़ी मुसीबत आई मुसलमानों पर जिसका आज भी हम रोना रो रहे हैं ये आपने अभी देखा शिया सुन्नी का तूफान बदतमीजी आपस में दो थोड़ी सी एग्जाम्पल थी उसकी छोटा सा तूफान बदतमीजी एक दूसरे पर आवाजें फतवे कसना ये हम उसको रो रहे हैं हालांकि मैं कॉमन बातें अगर आपको बताऊंगा तो आप सारे एक दूसरे सारे के साथ शेर व शक्र हो जाएंगे इनशाला तो ये जो फितने थे ये सारी उम्मत का इत्फाक है इस पर उम्मत से मुराद में दो देखें एट्टी परसेंट से ज्यादा मुसलमानों के हैं सुन्नी ग्रोह और शियाओं के ग्रोह अगर मिलाएं तो वो तकरीबन दस से पंद्रह परसेंट बनते हैं अहले तशो में भी तो है ना इस आशरी भी हैं जैदिया भी हैं इसमाइलिया भी हैं वह सारों को जहन में रखें तो मिला लेना तो ये सारी उम्मत के अंदर ये दो ही बड़े ग्रोह हैं बाकी उनके आगे सब ग्रुप्स निकल आते हैं ये सारे मानते हैं सुन्नी शिया, हम खारजियों को तो वो खारिज है ना उनसे उनका हम जिक्र नहीं करेंगे ये मानते हैं कि इन ये जो किताल हुआ ना मुसलमानों का क्या मुसलमानों की जंगें शुरू होगी जिसके असल में ट्रेलर जो था हजरत उस्मान के दौर में शुरू हो चुका था हजरत अली ने उसको बहुत बचाने की कोशिश की बहुत कोशिश की मगर उसके बाद फिर जब उनका दौर शुरू हुआ तो मुसलमानों को लड़वाया गया और जो जो भी मुसलमान से लड़ मुसलमानों में से लड़ा अमीर उलमोमिन तलेब के खिलाफ इन जंगों पर अहले सुन्नत की मैं अब अहले सुन्नत की बताने लगाऊं ताकि शी वहीं गुरु को थोड़ी ठंडक मिले समझ में आ जाए कि अहल सुन्नत ऐसे ही नहीं उन्होंने किताबें ढेर लगा दिया हुआ है अली के फजाइल पर थोड़ी आप मैं बता रहा हूं सही हदीसें निकालना शुरू कर देना सुन्नी शिया किताबों से आप शौक में आ जाएंगे कि आपको सारी मिलेंगी ज्यादा सुन्नी किताबों छोटा मकाम नहीं है अली का अहले सुन्नत के यहाँ कोई इसको अंडर एस्टिमेट ना करे ये सारी किताबें किसकी हदीस की, की? फिका की इस्लामिक जरू प्रूडेंस सीरत तारीख और अकीदा जैसे अलमुल कलाम वह इन सब किताबों में आपको मैं एक एक से निकाल के रेफरेंसेस दे सकता हूं जो मेरी इस बात को सपोर्ट इंडोर्स करेंगे कि हर जंग में मौला हक पर थे चाहे उनकी जंग अपनी माँ से हुई चाहे उनकी जंग अपने मुसलमान भाइयों से हुई तीन ही जंगे एक जंग होती है मायशा से एक जंग होती है आ, उनसे अहलेन से उधर क्या उसका नाम है अहले शाम से अमीर मुआविया से शाम के वो अमीर बन बैठे उन्होंने कहा नहीं आपको खलीफा मानता सारी कि खलीफा राशिद अली भी कोई इसमें इख्तलाफ नहीं है खलीफा राशिद उम्मत का अली है सब जानते हैं राशिद रुशद वाला हिदायत वाला अब उनको कह दें यार गलती ये थी हुकूमत का लालच था इज्तहादी थी मेरा एक वीडियो क्लिप देख लें कि अहले सुन्नत के हाँ या ओवरऑल अमीर मुआविया पर रज़ी अल्लाह अन्हु पर किस तरह के व्यू पॉइंट्स हैं जो टेक्स्ट बुक बेस्ड है मैंने सबके सामने रख दिया आगे आप डिसाइड करें मानते सभी हैं गलती है सर कोई कह दे इज्तिहादी है कोई कह दे हुकूमत का लालच है वो रहने दे मैं इसको सिर्फ कॉमन बातें कर रहा हूँ सिर्फ कॉमन बातें एग्रीड अपॉन है कि मौला अली तीनों जंगों में हक पर है अच्छा वो क्यों हक है हक पर तो जो अम्मा आयशा से हुई थी उसका नाम है जंगे जमल जमल सफीन नहरवान ये तीन ही जंगे हैं मुसलमानों की और वो इससे मुसलमानों में रखना बड़ा खतरनाक पड़ा डिवीजन बहुत बड़ी पैदा हुई सबसे ज्यादा डिवीजन मुसलमानों में जो ना उस वक्त मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ बड़ी सीरियस जंगे हुई अब ये जंगे समझने के लिए ना रसूलुल्लाह अपनी सीरत में आखिर में एक बहुत बड़ा काम कर गए ये देखें यह हदीस है और लाने वाले भी देखें आप अलो भी अपने दिलों को साफ करें जिनको आप वी कहते हैं ना ये एक इमाम की किताब है उसने इतने फजाइल हजरत अली के इकट्ठे किए हैं ना जिनको आप कहते हैं इट्स एक्चुअली लेबल शेख नासरुद्दीन आपदी बानी रहमुल्ल अहल के इतने सही फजाइल उस अल्लाह के बंदे ने इकट्ठे किए हैं ना कि आप सुन्नी शिया सभी उनसे इस्तफा कर सकते हैं और कहाँ किए हैं अपनी उस कलेक्शन में जो उनकी जिंदगी का मास्टर पीस है वरना ये वो हदीसें थी लोग इनको पक देखते नहीं थे मानते नहीं थे ओनी तारीखी रिवायतें ना 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 इसने इल्म रिजाल में गोता हो के ना मुहदस की तरह अहल हदीस मुहदस होते हुए जी ये हदीस सुनाई और ये हदीस का मेरे साथ एक पर्सनल वाक़ है मैंने कभी शेयर नहीं किया इन हदीस पे अलहदा से कभी मौका हुआ तो लेक्चर कराऊंगा मैंने मुखसन बताता हूँ कि मैंने मेरे हमारे मैं एक मरहूम बुजुर्ग उस्ताद उसद फोतों के जन्नत नसीब करे वो ना खुदबा तैयार कर रहे थे अपना तो बड़े अरसे बाद रिटायरमेंट से वो वापस आ रहे थे 2010 हजार दस ग्यारह का वाकई तो मैं ना मुझे एक्साइटमेंट हुई मैं उनसे मिलने गया मैंने कहा मुझे पता चला है आप खुदबा दे रहे हैं आप किस पर दे रहे हैं कहते मैं क्या मुबारक हो योर बैक तो उन्होंने कहा जी मैं अली पर खुदबा दे रहा हूँ क्योंकि इधर एक इंटरनेशनल कम्यूनिटी या यहाँ कोई पच्चीस तफिकों के लोग हमारे पीछे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेरे पीछे नमाज पढ़ते हैं वो भी हमारे इमाम थे ख़तीब थे इस मस्जिद के बानियों में से एक हैं तो बल्कि मुझे भी इस रास्ते पर आगे इनकरेज करने वालों में से एक हैं अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब फरमाए मेरे मोहसिन न वो तो मैंने कहा आप अली पे खुतबा दे रहे हैं तो फिर आप वो हदीस तो ज़रूर जिक्र करेंगे ना तो मैंने वो हदीस थोड़ी सी पढ़ी उन्होंने पूरी अरबी में आगे सुना दी और सुनाते हुए रोने लगे कहते हैं इन लोगों ने बड़ा जुल्म किया अली के साथ बड़े धोखे किए अली के साथ रोने लगे वो शख्सिया के नाम लिए वो अरब हैं फलस्तान से हैं और अलामा अलबानी और शेख मतवली शारावी शावी वाले इनके शागि में से हैं। और शेख हैन राह सऊदी उनके बड़े करीबी दोस्त भी थे ये अल्लाह अला जनदी फरमाए दो हजार अठारह के एंड में तकरीबन दो साल पहले फोत में ये जी हदीस सुन लीजिए उन्होंने जब मैंने कहा ना आप ये एक हदीस जरूर सुना देना सारे फितने जो हुए ना सारे इससे सॉल्व हो जाएंगे कि अली का क्या उसमें मकाम था मैंने बात याद रखिएगा मेरा मुद्दा क्या था कहाँ से मैंने बात शुरू की थी कि रसोल्ला ने कुरान क्यों तिलावत किया अली का मकाम समझाने के लिए इसलिए कि आपने कुरान और अहले बैत हमें दे के जाने थे कह के गए थे कि इनको छोड़ना ना अहले बैत को और हमदुल्ला छोड़ा नहीं हुआ फिक्र ना करें हम इस पर करेंगे अल्लाह अल्लाह में हक हाँ को हक हाँ दिखाए। अच्छा जी हदीस बड़ी प्यारी है मैं लंबी है बहुत मैं इकतेसार कर रहा हूँ बिलीव नहीं तसल्ली नहीं होती इस मजमून पर तो मैं आपको मुख्तसन आखिर वाला हिस्सा बताऊँगा रसूल सल्म आ रहे थे किसी के घर से हम निकले अः तो फ, अभी सहीदिनखुद्री रदीला बताते हैं तकरीबन हज़ार के करीब हदीसों के महल काफ़ी सैकड़ों हदीसों के रावी हैं बहुत बड़ी शख्सियत हैं अभी कर इन्होंने कोड़े खाना मंजूर कर लिए मगर हक़ नहीं छुपाया बहुत जगह पे इन्होंने हक़ हाँ बोला हुआ तो कहा कि हम रसूल वसल्लम का इंतजार कर रहे थे अजवाज मतहरा के किसी घर से निकले हम आपके साथ खड़े चल पड़े तो फिर आपकी ना चप्पल टूट गई रसूल के नाल मुबारक नाल शरीफ में से एक शायद एक या दोनों जो वो टूट गई तो ना आ, तो अली ये बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ फतेह अलहालीस वो मुरम्मत करने के लिए हजरत अली पीछे रुक गए अब आप अपने साथियों के साथ भी चल रहे हैं पाओ मुबारक बगैर जूतों के चल रहे हैं तो थोड़ा रुक गए फिर आप तो आप खड़े होके उनका इंतजार करने लगे कि ये मेरे जूते गांठ रहे मैं आगे ऐसे चल पड़ा हूं। हमसे बिछड़ ही ना जाए तो आप वो जूते गांट रहे इंतजार करने लगे रसूल के बारे में अल्लाह ने कहा नूहा वही होती है ये ये अपने पर्सनल ओपिनियंस नहीं है याद रखिएगा नबी के बारे में फेवरेटिज्म का खुदारा रहा कोई सोचे भी ना कोई फेवरेटिज्म जानेबदारी नहीं ये ऊपर से आती बात वहीं पर आपने बोला इन नमिन कुम इन नमिन कुम मई कौतिल तवील हादिल कुरान कमा कौतल कमा कौतल सॉरी कमा कौतल तु अला तंजीली अल्लाह

जो कुरान की तावील पर जंग करेगा जब लोग कुरान की तावील नहीं समझेंगे यानी वसल्लम की जंगें किस पर हैं तंजील कुरान पर मुशरिकीन, मुशरिकीन से जंग करो या यानबी जा मुनाफिकीन, जिहाद करो मुनाफिक ये है तंजील कुरान नाजिल हुआ हुक्म हुआ जंग हुई चाहे वो बदर है चाहे वो उहद है चाहे वो खदक है खैबर है सब जंगे वो खंदक में मैं उसका अमर अबन लोहई वो अमर इबन अब्द वद उसका वाक़ बताना भूल गया हूँ वो छोटा वाक़ जो जिससे कोई बड़े से बड़ा साबित दलेर जंग नहीं कर सका था इसलिए तो हैदर हैं वो मैं मिक्स स्किप कर गया था बीच में वो इनशाला फिर कभी से उसकी रिकॉर्डिंग में बड़ा खूबसूरत वाक़ी तो अब ये जब आपने कहा ना कि मेरी जंगें जो हैं मैं तंजील पे कर रहा था नजूल कुरान पर कुरान का हुक्म आया हमारी जंगे गजबात मैंने आपको मुखसन बता दिए ऑल वे टिल और वो फतेह मक्का और तबूक और ये सारे तो मगर तुम में कोई जो है ना वो इसकी तावील पे जंग करेगा ये बहुत मुश्किल तरीन जंग है और ये शर्फ था बहुत बड़ा ना कि यार आप देखें तावील में गलत भी तो हो सकते हैं मेरी तावील गलत हो सकती है आपकी सही हो सकती है मगर ये सर्टिफिकेट कौन दे रहा है अल्लाह का नबी अलैहिस्सलाम दे रहे हैं कि नहीं वो तवीली किताल होगा यानी वो अल्लाह वही वाली बात नबी अपने साथ खड़ा कर रहा है फिर कह रहा है वहाँ मूसा और हारून की बात हो रही वो खुतबा जो मैंने बताया गदीर खुम वाला मूसा वो आ, मनकुंतु मौला फिर मूसा और हारून वाला अब फिर कह दिया कि मेरे बाद अब इस कुरान की जब तावील को गलत कोई समझेगा ना तुम तुम में से एक ने करना है तो कहा कहा एक दूसरा वर्जन है जिसमें लोगों ने मतलब पूछा कि हम समझे कि अबू बकर उमर में से किसी को मिलने वाली उनका भी बड़ा एहतराम है मकाम है मौलाली के तो नाजुल बलागा में खुतबे हैं उनकी शान में नाजुल बलागा में तो कहा नहीं वो जो मेरे जूते गांड रहे ना वो ये जंगे करेगा तो कहा कि मैं वो कहते हमारा दिल किया हम जाके बताएं मगर ऐसे लगा कि वो इतना करीब थे कि उन्होंने सुन लिया मुस्कुरा दिए उनको पता चल गया अली रजा इसीलिए उनको अपनी हर जंग में बिल्कुल ये शक शुबा नहीं था कि वो गलत है एक जंग में भी आपने नहीं कहा कि ओहो ये क्या हो गया मैंने क्या कर दिया ना ना ना, ना नेवर नेवर यू शल फाइंड दिस तो ये जी सारी जंगें उनकी हाल हो जाती हैं ये फितनों का दौर था बड़ा मुश्किल दौर था सोचें मोमिनीन, माँ रसोल्ला की जोजा मुताहरा उसके साथ जंग हो तो फिर ये शिया सुनी किताबों में ये तो मौजूद है और बहुत सारे शिक्र अल्लाह का शिया मुबल मुकर जो हैं, जाकिर नहीं इमामा ये बयान करते हैं कि मौलानी ने उनकी शान में खुतबा दिया ये बात दोनों किताबों में मौजूद जी हाँ दोनों की कुतुब में मौजूद है शान में खुतबा दिया गलती को गलती कहा और बाहिफाजत उनको अपने घर पहुंचाया अल्लाह अकबर कोई दिखाए ना कोई जेल में डाला कोई अरेस्ट किया कोई टॉर्चर ना हजब कोई ऐसा काम नहीं किया आपने अब इसीलिए अलहमदुल्ला मेरी इन बातों को गौर कीजिएगा तो ये जो तीनों जंगे हैं ना इसमें आपका हक पे होना बिल्कुल ऐसे ही जैसे आसमान में सूरज है कोई शक शुबा नहीं है इसमें और रसूल्ला की जिंदगी में देखें आखिरी बहुत बड़ा कारनामा गदीर खुम से भी पहले जो फतेह मक्का पे हुआ बुत शिकन है अली रसूल्लाह ने बुत बुतों की तोड़ने का आगाज़ किया और बाकी अक्सरीत बुतों की जिस तरह बदर में अक्सरीत सरदारों की अली के हाथों कुचरी गई ना उस दिन भी काबे के अंदर से बड़े बड़े बुत जो थे ना अक्सरीत उनकी अली के हाथों टूटी अली तोड़ रहा है बुतों को बुत शिकन है अली जिसने अंदर बाहर के सारे बुत तोड़ दिए हो, अल्लाह रसूल उससे राजी हो वो अल्लाह रसूल से राजी हो वो अली कैसे गलत हो सकता है अल्हम्दुलिल्लाह ये सर्टिफिकेट मैंने नहीं दिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम ने दिया अल्हम्दुलिल्लाह और ये इसका इसका जो है ना सहीहा में नंबर जो है ना चार नंबर पे ये आप किसी को भी कोट कर सकते हैं दो हजार चार सौ सतासी ट्वेंटी और मुस्त अहम सौ अड़तालीस अलेवन थ्री फोर एट यह आप कोट करें झिझक कोट करें ए, सही है इसको इमाम हम्बल ने भी इसकी सन्नत को कबूल किया हुआ और महद्रिस भी हैं बड़े बड़े मौर्रखीन ने भी इसको कोट किया ये तारीख और हदीस की किताबों में मौजूद है इससे सारी जंगों का मुद्दा हल हो जाता है अलहमदुल्ला के इन फितरों में आप हक पर थे अब आखिर में जो आपका जिक्र शहादत है ना वो मेरी एक रिकॉर्डिंग है पिछले साल रमज़ान में हुई ये क्याम रमज़ान के दौरान ही जिसको हमारे यहाँ लोग तरावी भी बोलते हैं अहल तो इसी को तहज क़याम कह देते हैं कि नहीं इससे है जमात के साथ नहीं हमने करनी कहते हैं जमात के साथ कर लो। बात दोनों की एक ही है। सब राहत की मानते हैं कोई ये नहीं कहता रमज़ान की रातों में पार्टी करो या फिल्में देखो ना उस बेला सारे मानते हैं खैर उन्हीं रातों में मैं यहाँ कोविड के दौरान यहाँ पर था तो मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि मैं पूरा कुरान रिकॉर्ड करवा दूँ अल्हमदिल्ला कोविड की बरकत से नमाजी नहीं थे यहाँ पर दिन के तीन चार होते थे तो मैं कुरान रिकॉर्ड करवा रहा था उस दौरान ही कुछ ऐसा मौका आया कि रमजान का वो बस था तो मैंने इनकी शहादत का जिक्र किया वो आप पूरा क्लिप देख लें तो वो आपको समझ में आ जाएगी एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि रसुल पाक सल्लाम ने ना हजरत अली अब उनकी शहादत का तो मैं अब तफसीला नहीं करूँगा एहल सुन्नत की तमाम अकीदे की किताबों में लिखा हुआ है कि इबनल इबन मुलम या इबन अब्दुलरहमान इबन मुलजम वो लाइन है जिसपे अल्लाह की लानत हो चुकी है ये नहीं कहा अल्लाह लानत करे ये क्या के साथ लिखते हैं कब बाहा व कद ये हाफिजुल हकमी एक और अरब सऊदी आलमिया जिनको आप लोग क्या क्या कहकर नफरत करते हैं वो लिख रहा है कि उस लानती पर लानत अल्लाह की हो कब बाहा ला जैसे लानतुल्लाह व कद यानी और हो चुकी है अल्लाह अकबर तो वो मैं सारा बयान कर चुका हूँ कि उनकी शहादत का वहाँ जिक्र वो आप जरूर सुनिएगा रिकॉर्डिंग आप हाफिजान चैनल पर पड़ी हुई है तो अब आप ना मैं आपके सामने कुछ चीदा-चीदा एक दो और उनके फजाइल आपके सामने रख दूँ उनके फजाइल तो इतने इतने हैं कि इमाम अहमद इबन हम्बल रहा फरमा चुके हैं कि अहल सुन्नत के पास सही इस्नाद के साथ नंबर तद के हिसाब से सही हदीसें इतनी किसी के लिए नहीं आई जितनी अमीर उलमिनबन अबी तालब के लिए आई हैं इतनी किसी के लिए नहीं आई जितनी उन के लिए आई है सुन्नत की किताबों में कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता उनके फज़ाइल जितने बयान हुए ठीक है तो इस पर याद रखें अल्हम्दुलिल्लाह अब उनके ऊपर मैं इस पर हजरत अली को गाली के नाम से एक ना वो है टाइटल लोगों ने उसको देखा वो कहते ये कैसे हो सकता है आज भी कोई ऐसा है मैंने उसमें आज जो करने वाले हैं उनका जिक्र भी किया कि वो कैसे छुप छुप के करते हैं क्योंकि अगर वो खुल के करेंगे तो एहले सुन्नत तो उनको आउट कर देंगे भाई तुम तो एल सुनत ही नहीं हो काफिर ही हो जाओगे यू नो या उनकी वो काफिर नहीं तो कम अज कम उनको लानती कह के उनका यू नो उनको तलाक दे दी जाएगी समझ रहे हैं आप तो वो छुप छुप के करते हैं उनका तरीका क्या होता है कि वो अः मैं हर एक की बात नहीं कर रहा बहुत सारे मुहदस बड़े ऑनेस्ट हैं वो हजरत अली के सही सही तरीन फजाइल को बयान भी करते हैं मगर कुछ हैं जिनकी इस वक्त सारी जिंदगी की एफर्ट एक ही काम पे वो पता क्या है उनकी सारी एफर्ट एक ही काम पे कि हमने कैसे हजरत अली के फ़ज़ाइल जो है ना उनको घटाना है तनखी से अली अब प्लीज इसमें मुझे भी कई लोगों ने नासमी का खिताब देने की कोशिश की ये शिया भाई ये जुलमना क्या करें आप एहले सुन्नत का मुकदमा समझने की कोशिश करें वो एहले सुनत ने यह शुरू से इसको अपना असूल बनाया कि चाहे बात अल्लाह के नबी की हो रसूल्ला की हो या आपके खान वादे की हो किसी की फजीलत या उसके खिलाफ कोई भी बात कही जाएगी हमने उसको एक ही ओसूल से परखना है वो उसूल हदीस अहल तशो के यहाँ भी मौजूद है इधर भी वो बहुत शिद्दत से सख्ती से उस पर अमल पैरा होते हैं मतन को देखा भी नहीं जाता ये थे पुराने ईमानदार मुनसिफ मुहदसिन आज के सियासी पोलिटिकली पेड़ जो लोग है ना हाँ वो ये हरकत कर सकते हैं मसलन मुझे किसी ने पूछा अनादीन वाली बाबू हम मैंने अपनी हकीर रिसर्च तहकी और बेशुमार बेशुमसिन की तहकीक की रोशन बताया कि भाई इसको एक नहीं बेशुमार बेशुम ने इसको सही नहीं माना देखें अगर आपने इसको सही मानना है, तो फिर इसका अगला हिस्सा भी सही माने वो नावी खुल खुदा का खौफ करो तुम अगर ये वह दी सही मानते हो ना कि अली रसोला ने कहा कि मैं इलम का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है अगर तुम इसको सही मानना चाहते हो फिर ये भी मानो कि उसमें आगे क्या लिखा हुआ है दीवारें वो क्या है छत अबू बकर दीवारें उमर और उस्मान है माने ना वो सारा फिर वो क्यों नहीं मानते आप वो भी माने फिर उसको छोड़ देना ना 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 ये नहीं करना तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इल्मे हदीस के उसूलों पे जो सेहत के उसूल है ना हेल्थ स्टैंडर्ड्स चेकअप में पास नहीं हुई हदीस वरना जिसका मर्जी बयान होता सही होती तो आमन्ना सदकना अब वो मैं बताने से पहले मैं आपको सही फजाइल वो बता लू जिनको रसूल पाकल्लम ने क्या क्या कहा रसूल पाक सल्लम ने हजरत अली का एक और खिताब दिया जो हजरत अली की शहादत के उसमें मैंने जिक्र किया इस्लाम वो अल्लाह की उंट नहीं है जैसे साल के दौर में नाक़तुल्ला आई थी ना इस तरह मौला की वो उंट नहीं है कि जिसको जब कतल किया गया शहीद हुए तो फिर तबाही और क्यामत इस उम्मत पर हजाज हजाजन यूसुफ़ सखी जैसे बदमाश टूट पड़े और बड़ा जुलम हुआ और हजाजन यूसफ सखी को कोई माई का लाल मुहदस फकीर नहीं कहता के मसले डिस्कसा मालकी फिका में जुम्मा जो है वो मगरब से पहले तक हो सकता है इस पर मेरी वीडियो देखिए उन्होंने इस मामले पर नाम नहीं उसका मरदूत का वहां पर लिया था बहरहाल कुछ फजाइल जो रह गए ना चीदा चीदा बातें वो मैं आपको बता देता हूँ वो आप सुने ईमान ताजा करें नाकतुल्लाफा इसके लिए अगेन फ्राम सऊदी अरेबिया वाभिया देरों आया सी गिफ्ट थे दूसरी समझ दो सारे वाभी हजरत अली नु मबत नहीं करते भाभी भी करते हैं अल्हदुल्लाम्मत मोहब्बत करती है अली से चंद शरीर लोग हैं उनसे आप अल्लाह की पनाह पहले मैं जरा इधर खबर इधर की भी लेनी जरूरी थी ना अब फिर मैं अलो की तरफ भी आता हूँ आपको भी कुछ बातें मैंने एड्रेस करनी तो रसूल पाक वसल्लम ने एक और बहुत जबरदस्त अला बेहतरीन हमें खबर दी वो क्या कितने गई अदीस कहाँ गई हाँ कितना बड़ा मकाम है मोला अली का आपने कहा माँ से तुम क्या चाहते हो कुछें आई थी हजरत अली के बारे में बड़ा आसान है दो सौ तेईस बस याद रखियेगा कहा आपने अल हुसैन अनामिन हुसैन अल हुसैन मिन्नी तो सुनी होगी जी हाँ सुन्नत की किताबों बहुत ज्यादा तबतुर तक के लेवल तक पहुंची हुई थी सब सब मानते हैं इसको तो भारत सही तो पक्की है कोई शक नहीं है का क्या चाहते हो अली से क्यों उसके पीछे पड़े हुए याद रखो इन मिन्नी अली मुझसे हूँ यानी हमें एक दूसरे से अलादा ना समझो वाह हुआ वली हर ये मैं सर अरबी से पढ़ रहा हूँ इसका तर्जमा किसी से भी पूछ लें आप यही है तर्जमे भी इन किताबों के हो चुके हैं वहां पढ़ लें हर मोमिन का अली वली है मनकुन तो मौला वाली बात ही आपने की अब मौला की तफहीम पे जारी बात है दो मुख्तल तीन चार राय वो मेरा से इस छोटा सा लेक्चर है कि मौला जो है ना हजरत अली के मौला उस पर कितने चार पांच वर्जन है मौला के फहम के तो वो उस पे फिर डिबेट हो सकती वो तो समझे इस उम्मत में सोचने का इख्तियार तो हर एक को है ना सोचें तो मैंने आपको वो बता दी बातें जो मैं जैसे समझता हूँ एक और बड़ी प्यारी हदीस कहा जिसने अली को तकलीफ दुख दिया ना अली को अली के खिलाफ बदजबानी की उसको दुख दिया देखें मौला अली शहीद है तो वो तो जिंदा है शहीद मरता थोड़ी है तो अभी भी कोई उनके खिलाफ अगर बदकलामी करेगा तो अरसौ ने कहा उसने मुझे ये तकलीफ दी रसूलुल्लाह को यानी अली को तकलीफ़ रसूलुल्लाह को तकलीफ अली से मोहब्बत रसूलुल्लाह से मोहब्बत अली से बहुज रसूलुल्लाह से मोहब्बत ये आपने इसको और वाजे कर दिया ये पिछली जो थी अली को ईजा मुझे ईजा अली को दुख मुझे दुख बाईस सौ पचानवे सियाह का नंबर अगला सुने बारह सौ निन्यानवे सही का सया का नंबर मन अहब अली फ्बनी वो मन अब वो मन अहब बनी फ़कद अहब जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की जिसने जिसने मुझसे मोहब्बत की उससे फकत अहब ल दो तरह से इसको आप समझ सकते हैं उससे अल्लाह मोहब्बत करेगा और वो अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह 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 कितनी जबरदस्त बात है यानी अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो अली से मोहब्बत करो क्योंकि अली से मोहब्बत रसुल्ला की मोहब्बत भी है सल ये मजाक नहीं है अब देखें रसोल्ला को भूलिए नहीं इस पिक्चर में रसुल्ला की मोहब्बत के भी तस्करे होने चाहिए न तो आपने फिर अगला हिस्सा बड़ा खतरनाक है इसमें खट्टा मीठा दोनों इकट्ठा दिया आपने रसोला ने पहले आपको मीठी चीज खुशखबरी दी नबी बशीर है और नज़ीर है बशारत सुनाएगा नजारत यानी खुश और डर दोनों है तुम्हारे ऊपर है क्या रास्ता चुनना है और जिसने अली से बुगज रखा ना दिल में कोई मैल कराहत हसद किसी किस्म का मैल बहुस अब बुगस क्या है उर्दू जबान में सब लोग जानते हैं बुगज़ क्या चीज है बोग सब जानते हैं बुगस ये जबान पे ना भी आए दिल में भी बुगज रखा वो मेरे से बोग है रसूल नबी से बुहस अल्लाह ये ईमान रहेगा उसके बाद और जिसने ये किया उससे वो अल्लाह से बुगस रखता है उधर अल्लाह से मोहब्बत है उधर अल्लाह से मोहब्बत है इधर अल्लाह से अल्लाह से बुगस के बाद कोई का, का, काफिर ही हो जाएगा फिर तो सोचें आप कितना शदीद खतरनाक ये बयान है और ने फिर हमें एक और सार्निंग दे दी है और इस वार्निंग पे मैं बात खत्म करूँगा, उसके बाद मेंश्यो से कुछ बातें करनी है मैं वो बातें करने से पहले मैंने लाइव चैट भी डिसेबल करूंगा तो पांच मिनट के लिए फिर से पांच मिनट ये खत्म होने वाला सारा सिलसिला आप इससे सवाल जवाब पूछ लेना मुझसे अब अल्लाह उस अल्लाह की कसम नबी उम्मीद ने फरमाया जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है रसूल आपके सामने जिसने मेरे बैत के किसी भी फर्द से बोग रखा उसको अल्लाह दो में डाल देगा ये अब सारे एह बैत का मकाम मैंने शुरू कहा से बात की थी कुरान और अहले बैत और वहां से मैंने अली मौला अली का जिक्र शुरू किया अब मैं ख़त्म भी यहीं करने वाला हूँ ये मेरा बयान खिताब यहाँ मुकम्मल तकरीबन हुआ चाहता है कि जिसने अहल बैत के किसी भी फर्द से मोहब्बत की बजाय नफ़रत दिल में पाली बुगज़ रखा चाहे वो अब्बास हो अब्दुल्ला इबन अब्बास हो आले जाफ़र है आले अकील है उमिन है ये सारे अहले बैत हैं ये वो अहले बैत हैं जिन पे सदका हराम है हैदकाा तो हरामद व आल मोहम्मद सब जानते हैं इसमें कौन कौन आता है तो वो रसूल्ला कह रहे हैं कि इनसे जिसने भी बुगज रखा उस पे जन्नत हराम है बल्कि इससे भी खतरनाक बात मुस्तर हाकिम में कह दी और अमामावानी ने इसको भी सही करार दिया ये पिछली भी सही थी मैं सिया से सारी पढ़ा ज़हीफ़ तो बात अलहमदिल्लादी इस बयान ही नहीं मैंने की कोई यानी कि सुन्नी स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बाकियों के हाथ तो शायद इससे लूज हों स्टैंडर्ड्स मैं बड़े सख्त स्टैंडर्ड्स के बाद फिल्टर के बाद ये कहते हैं ना छानना लगा के निकली हुई है कहा कि क़ियामत तक कोई बंदा मकाम इब्राहिम और हजर इस के दरम्यान जो दो अला तरीन पॉइंट्स हैं इनके बीच में टांगे खींच के इबादत करता रहा मगर मेरे अहले बैत से दिल में बुगज़ लेके मरा यानी ये कल्बी गुनाह है कल्ब में भी लेके मरा तो वो यकीनन दोजख में जाएगा मुझा इसकी मुना में रखे ये है जी बयान अब एल सुन्नत मैं आपको शैयो भाइयों से बयान करने लगाऊँ मैंने जब भी कभी मौला अली के बुगज़ या दावत के बारे में कभी हदीसें बयान की ना बाखुदा मैं आपको पूरी ईमानदारी से बता रहा हूँ और मैंने ये बयान शिया सुन्नी कम्बाइंड मुजालस में किए अमेरिका के अंदर बहुत दफा अलहमदिल्ला मुझे बार बार अल सुन्नत ने आके कहा इमामों ने खतीबों ने ओ भाई में कोई नहीं है ये काम करने वाला हम नहीं ये करते प्लीज हमें यह दिसना सुनाओ हम नहीं करते बोझ हमें मोहब्बत की बस सुनाओ कब हम करते हैं बोझ अलहदुल्लामत की अक्सरियत एहलेन्नत की भी नासबी नहीं है अहले सुन्नत की अक्सरियत हजरत अली पे शतम कभी नहीं बर्दाश्त करेगी कोई जुरत करें हाँ मंबर पे बोले वो हजरत अली पर रसूल्ला के जाने के बाद बहुत बड़ा जो जुल्म अजीम हुआ, वो ये हुआ कि उम्मत ने उन पर जुलमो शतम का पहाड़ डाया सबसे बड़ा जो जंगों से भी बुरा था कि उनकी औलाद सुन रही सोचें आपके बेटे मम्बर पे आप पे लानते सुन रहे हो उन पर लानते की जाने लगी हुक्म दिए गए बाकायदा ऑर्डर के साथ सब शतम का बाजार गर्म हुआ रसूल पे लानत करने का रवाज पैदा हुआ और इसलिए सलमा ने कहा कि तुम लोग अल्लाह पे लानत करते हो तुम अल्लाह के नबी को गाली देते हो तो वो आगे से कोई बोला कि ये कैसे हो सकता है तोबा तोबा हम कहा सब्ब रसोल्ला तुम लोग तुम्हारे उम्म सलमा कह रही है ये भी है में सोलह सो पंद्रह नंबर है ठीक है जी

शहादत देती हूँ मैं कल में क्या दूसरा हिस्सा पढ़ के कह रही हूँ अम्मा कि रसूलुल्लाह को ही गाली है अली को गाली क्योंकि रसूलुल्लाह अली से सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे वो सारी हदीसें बैकग्राउंड में रखिएगा कि अली के साथ बगोज रसोल्ला से बगोज अली से मोहब्बत रसूलुल्लाह से मोहब्बत तो अली को गाली किसको गाली रसोल्ला को गाली। अम्मा का फतवा है मेरी माँ का फतवा है मेरा नहीं है और माँ वो वाली जो बायोलॉजिकल मदर नहीं जिसने मुझे पैदा किया वो नहीं वो माँ जिससे हमारा रिश्ता कभी टूट ही नहीं सकेगा क्यामत तक हो जाए कौसर तक होंगी हमें क्या पता किसकी माँ जन्नत में जाएगी किसकी नहीं मगर जो माएं रसूल्लाह के जरिए हमारी माएं बनी वो सब जन्नत में जाएंगी यहाँ भी रसोल्ला की बीवियाँ हैं वहां भी ये बीवियाँ और ये भी अली का फतवा अली ने खुतबा को मेम्बर पर खड़ा करके एल सुन्नत सुन और एलो दोनों सुन लें मेरी ये बात आज बातें होनी सिर्फ कॉमन एग्रीड अपॉन मुतवन आल बातें इस पर किसी का अख्तलाफ नहीं है ना सुनियो के में इस पर इख्तलाफ है ना शीयों के बस आप ये बात याद रखें अब मैं अहल तयों से कुछ थोड़ी सी कड़वी रिक्वेस्ट करने वाला हूं आपने देखें आप एहले सुन्नत की जबान से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जिक्र खैर सुनेंगे अहिल बैत का कभी अलहदुल्ला जिक्र शर ऐसी बात है कि आप कभी नहीं सुनेंगे अलहमदल्ला बस रिक्वेस्ट आपसे क्या है रिक्वेस्ट ये कि आप थोड़ा सा ना घर की भी खबर लें एहल तैयो से मेरी ये रिक्वेस्ट है वो रिक्वेस्ट क्यों है वो रिक्वेस्ट ये कि देखें आपके यहाँ बहुत सारे पहला मसला वो ये कि बहुत सारे ऐसे जाकिर हजरात जो सीजन टू सीजन आते हैं आ, मजलिसें करते हैं मौला अली के नाम पर पैसे कमाते हैं लाखों लेते हैं ये सब जगह हो रहा है ऐसा नहीं कि सुनियो क्या नहीं हो रहा सुनियो कहाँ अः मिलाद की महफिल पर एक एक नात पढ़ने का नाच कहा दस दस लाख रुपया ले रहा है फैंसी फाइव स्टार होटल्स में स्टे भी ले रहा है सारे नहीं ये बड़े बड़े होते हैं तो मैंने ये बात आपको अकेलों को नहीं कह रहा ये मैंने यहाँ पर एक जगह जिक्र किया हमें फिर बहनों ने आके बताया कि हाँ आपने तुम्हारी आंखें खोल दी फलां जाकरा को हमने बुलाया औरतों की मजलिस में और उसने ये ये बातें कहीं उसने कुरान से ये बातें कहीं कुरान में ऐसा कुछ लिखा हुआ मैंने कहा जी अल फीम फातहा से वन्नास तक कुछ ऐसा नहीं झूठ बोला उसने मैंने क्वेश्चन कर दिया था आपको भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ अल्लाह करे अल तैयो पब्लिक तो मेरी बात पूछे ये बाजारी लोग जो जिनके जिनके बारे में अहिल तसैयो के उलमा कह चुके हैं कि ये हुसैन या अहले बैत के सौदागर हैं इनसे बच के रहें ये नफ़रत अगर बांटते हैं किसी नफरत फैलाने वाले को दावत मत दें उनको लाए आपने अगर हुसैनी बनना है सही अली वाले बनना है तो अली की बर्दाश्त देखें अली के औलाद की, की बर्दाश्त देखें मिंबरों पे गालियां पड़ी क्या उनके पास ताकत नहीं थी उनको रोकने की क्या वो कह नहीं सकते थे और चलो बकवास बंद करो उतरो नीचे कभी नहीं कहा मौला अली के मुंह पे लोग उनको काफिर कहते रहे उन्होंने उनको बर्दाश्त किया मौला अली के साथ लोगों ने जंगें की मगर वो उनके फिर भी उनके मुर्दों को दफनाते रहे उनके जनाजे पढ़ते रहे वो एक मिसाल है मौला अली ने फैसले दिए कि इनका माल हम पर हराम है हमने इनका माल नहीं लूटना बिल्कुल वो लूटना तो नहीं होता वो लेना यानी माल गनीमत जिसे कहते हैं यानी गनीमत जो पड़ा हुआ है बच गया पीछे नहीं लेना हराम है हम पर ये मुसलमानों का माल है वापस इनके रिश्तेदारों में जाएगा ये सारी फिका के फतवे जो शिया सुन्नी में एग्रीड अपॉन है किसने दिए मौला अली ने दिए क्या आप में ये चीज है क्या आप जाकिरों को ये चीज की तल तलकीन कर रहे हैं उनको कह रहे हैं कि हमें ऐसी बातें बताओ जिससे हम सही में अली वाले बने कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अली का नाम ले रहे हैं और मुशरकों अली बुत तोड़ता रहा है मक्का में पता मक्का बुध शिकन था अली आज हम बुध परस्तों के साथ मुशरकों के साथ इतिहाद कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो हमें जुलूस निकालने की इजाज़त देंगे यहाँ से भले दूसरी तरफ वो ज़िबा कर रहे हैं दूसरे मुसलमानों के ग्रोह को ये ना करें सोचे ऐसी बातें मैं इंटरनेशनल अलायसिस की बात नहीं कर रहा मैं लोकल लेवल पे उन चीजों की बात कर रहा हूँ जो हो रही है ग्राउंड रियलिटीज़ अगर आप सच में हुसैनी हैं सच में अपने को अली वाले कहते हैं तो घर की खबर लें बिल्कुल वैसे जैसे खबीस उसको यासरुल हबीब उसका असली नाम है यासर खबीस को ईरान ने काफी डिक्लेयर किया है आपको पता ही है ईरान से फतवाया उसको काफी डिक्लेयर करने का इसी तरह जितने ऐसे खबीस हैं जो खड़े होके दुआ कनूत पढ़ के लानत करते हैं अम्मा पे उनसे पूछो जब अली के पास मौका था न सिर्फ लानत का बल्कि कत्ल का वो कानूनन बगावत की सजा में कत्ल की सजा दे सकता था मगर उसने नहीं दी उसके पास पावर भी थी उसने नहीं दी तुम किस ताकत से खड़े होके लानत कर रहे हो तुम अली से ज्यादा अली के वो वो बनते हो श जब अली के इर्द गिर्द जो लोग थे उस वक्त जो अली के शियान थे हामी हामियाने अली जब उन्होंने ये काम नहीं किया तो तुम किस लिए ये काम कर रहे हो और हमें किस लिए इसकी तलकीन दे रहे हो सोचने की बात है ये ये बातों पर आपने गौर करना है और ये बातें मैं आपको अपने मुँह से नहीं बता रहा ये अल्हदल्ला तैय्यो के बड़े बड़े कुछ उलमा एक से ज्यादा कई हैं जो हमने अलहदुल्ला हमारे पीछे नमाज पढ़ने वालों में इराकी बहरीनी इवन ईरानी शिया हमारे साथ नमाजें पढ़ते रहे अलहदिल्ला और हमने उनसे उनके अपनी जबानों से बातें सुनी उनके से सुनी है पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे हैं एक से ज्यादा हैं कहीं हैं उनको बुलाएं अपनी मजरसों में वो शायद वाह 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 ना करवाएं ज्यादा वो आपको ए, इमोशनल ना करें ज्यादा मगर वो बात हक करने वाले होंगे जो लड़ाने वाले नहीं है ना प्यार कराने वाले हैं जोड़ने वाले हैं इस वक्त ज्यादा जरूरत है उनको बुलाएं सोचे इतने फितनों के दौर में अली उम्मत को साथ लेके चल रहा था उनको अपने भाई कह रहा था कि भाई हैं ये भटक गए मेरे भाई हैं खारजियों तक को उन्होंने बर्दाश्त किया खारजी जिनको कोई भी सही नहीं कहता था ना शिया शियाने अली ना उधर से जो दूसरी पार्टी थी मतलब वो सिफीन वाले कोई भी उनको सही नहीं कहता था जमल सिफीन वाले कोई खारजियों को सही नहीं कहता था मगर मौला अली ने उन पर भी तलवार चलाने में पहल नहीं की बिल्कुल पहल नहीं की बर्दा अथॉरिटी होते हुए लीडर पावर होते हुए कतल गारत नहीं की सोचें इन बातों को ताकि मुसलमान एक हों एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताब खा के काशगर यही मेरा ख्वाब है और यही मैं चाहता हूं कि मुसलमान इकट्ठे हो जाएं आपको नहीं पता आप देखें यहां आके कैसे कैसे फितने मुसलमानों के खिलाफ किए जा रहे हैं आप फितना इलाहाद को देखें मुलहिदों को देखें अब तो इंटरनेशनली आप हर चीज इंटरनेट पे देख सकते हैं तो आपने इन सारे फितनों के सामने कैसे सीना सफर होना जब आप आपस में लड़ भिड़ रहे होंगे तो मैंने कमेंट्स में यह देखा तूफान बदतमीजी बल्कि मेरा कम कम से मिनट आज कमेंट्स में लोगों को ठंडा करने में ज़ाया हुआ तो मैंने इसलिए इसको लाइव चैट को डिसेबल किया था फिर कड़वी बातें थी तो उसके लिए डिसेबल किया अब मैं आपके सामने लाइव चैट खोल रहा हूँ दोबारा कोई सवाल आता तो जरूर पूछिएगा ये मैं मेरे एंटीसिपेटेड टाइम से ज्यादा टाइम है मगर जो बातें मैंने पढ़नी थी अभी भी मैंने बहुत अख्तिस किया बहुत इख्तिसार किया यकीन माने अनबिलीवेबल आज की इस मजलिस से सुन्नी शिया दो लोग ये बात तो साफ लेकर जाए कि रसोल्ला के घर वालों से खान वादे से सारी उम्मत मोहब्बत करती है ये दिलों से निकाल दें कि जी वो सारे नासमी हैं जो आपको ये मंजन बेचता है ना वो उसी मंजन वाले की तरह है जो बस में आता है आपकी बसों में यू नो कोचेस में फ्लाइंग कोचेस में जो आके कहता है आपके अगर पेट में दर्द है आपके कान में दर्द है आपकी आंख में दर्द है आपके यहाँ दर्द है वहां दर्द है सब के लिए ये फकी काफी है ये मंजन काफी है ये चूरन काफी है बिल्कुल बकवास ये वो झूठे हैं जिनके झूठ में ना आइएगा जो आपको कहे ना वो तो सारे नासमी हैं आप ही हैं सिर्फ मोहब्बत करने वाले ना 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 मैंने आपके सामने बहुत बड़ा चैलेंज रखा है आप मेरे साथ आए डेटाबेस बनाएं हदीसें गिनना शुरू कर दें आप है आप दंग रह जाएंगे कि अहल बैत के फज़ाइल में अला तरीन मक्खन जिसे कहते हैं ना खालस और फिल्टर्ड हर तरह के चेक पॉइंट से क्रॉस करके जो पहुँची हैं सही हदीसें ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी ये यहीं मिलेंगी तो ये भी मोहब्बत करते हैं ये रसोल्ला के और उनकी औलाद के दीवान सहाबा रसोल्ला की औलाद से मोहब्बत और प्यार करते थे अख्तिलाफ़ अपनी जगह ये दिल साफ करें कि ये नास्बी नहीं है अलहमदिल्ला रबीन और सुनियों से भी दरख्वास्त है कि आप ये ना कहें कि हर शिया गालीबाज है हर शिया लानती लानत करता है लानते भेज के लानती बनता है ऐसा नहीं है उनमें भी हर तरह के लोग होते हैं आप अच्छी मिसाल देखें कि यासरबीज हबीब जैसे लोगों को उन्होंने खुद नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया उसके बारे में बाकायदा वहां से लबनान से फतवे भी आए हैं वो उसने कहा कि ये फितना है बहुत बड़ा इसको वहां एजेंसियाँ सपोर्ट कर रही हैं वॉच आउट ऐसे मुनाफरत फैलाने वाले लोग जो है ना, नफरत फैलाने वाले लोग मुनाफरीन इनको अरबी में कहते हैं इनसे बचिएगा दोनों तरफ बचें आप अल्लाह हम सबको एक करे और मुसलमानों को बारह से गलबा इस्लाम इंशाल्लाह नसीब करे मेरे दिल की ये तमन्ना है मेरे दिल की ख्वाहिश है बिलीव मी मशरक़ मगरिब सफ़र करके मैंने ये देख लिया सफ़र से मेरा करके और सफ़र इंग्लिश वाला भी के केक खा खा के यही देखा है आ, और अलमदिल्लाह मेरी ट्रेनिंग हुई हुई अब रेलवी और देवबंदी मदारिस के अंदर वक्त गुजरा है फिर एल हदीस के भी मैंने मदारिस में वक्त गुजारा है कि इस झगड़ों में कुछ नहीं रखा और मैंने इन सब मकतबा फ़िक्र में अहले तशयो का भी हवाला दे दिया सब जगह मैंने अल्लाह के नेक बंदे देखें इख्तिलानी जगह देखें जिसको जो समझ लगी वो बेचारा उस मसले पर लगा हुआ है अल्लाह के नेक लोग आपको इन हर ग्रोहों में मिलेंगे ये जो सुनीों के और शियों के जो है बड़ी बड़ी जमातें इनमें आपको नेक लोग मिलेंगे नेक लोगों को ढूंढें उनको साथ जोड़ लें इकट्ठे हो जाए फिर और देखिये सबसे बड़ी बात है आप पाकिस्तान इंडिया में रहते हैं कितनी शदीद जरूरत है इस फहाशी बेहयाई के दौर में इस्लाम को लाने की कम अज कम सारे उलमा मिलकर सारे ये जो फ़िरके बने हुए जमाते हैं, ये तो कर दें कि हमारी नस्लें तबाह होने से बच जाए टीवी पर जो बदकारियां दिखा रहे हैं जो फहाशियां दिखा रहे हैं गलीज लिबास हमारी पे पिछले तीन सालों में जो गंदगी टीवी पर इंक्रीज हुई है उस पर कोई बोल रहा है कहाँ है ये मौलवी लोग भाई दीन का काम करो ये भी दीन का काम है उसानी हो तो इस दज्जाली निजाम के आगे खड़े हो ना उस दज्जाली निजाम का आलाकार हैं हैं ये आ, ये जो लोग ये उसका काम कर रहे हैं या आपको ये भंग पिला के सुलाना चाहते हैं फाशी बेहि में तो उसके खिलाफ एक काम पे तो मुतहद हो जाए तो अल्लाह करे ये इकट्ठे हो जाए इनशाला हमारे दिल की तमन्ना है अल्लाह करे इस नकारखाने में तूती की आवाज़ भी कोई सुन ले ठीक है जी थ्री थर्टी हो गए दुआ में याद रखिएगा एक दुआ करते हैं इनशाला آه مختصر اتحاد بين المسلمين كبير اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم اللهم اجمع بين كلمتهم اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللهم ارزقنا حب محمد وحب ال محمد صلى الله عليه واله وسلم اللهم ارزقنا حب محمد وحب ال محمد وحب من من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم باحسان الى يوم الدين يا الله تعالى مال الله الله النبي अल्लाह के रसूल वसल्लम उनकी औलाद और उनके वो सब नेक कियामत तक जितने भी नेक लोग इस उम्मत में आएंगे उन सब की मोहब्बत हमारे दिलों में डालना तमाम मोमिन की मोहब्बत हमारे दिलों में डालना और हमारे दिलों से मुसलमान भाइयों के लिए बोजो इनाद कीना हसद जैसी बीमारियाँ दूर कर देना हमारी जुबानों को झूठ से पाक कर देना अल्लाह मतलूब ना मिनल या हे दिलों को नफाक से पाक करना वामा मिनलर रिया और हमारे अमाल को रिया से पाक करना वालसिनतना मिनलब और हमारी जुबानों को झूठ से पाक कर देना व आयुन और खियानत से पाक कर देना बारी आप ही जानते हैं कि ख्यानत करने वाली आँखें कौन सी हैं और दिलों में लोग क्या चुपाते हैं अल्लाह तब के हालों पर रहम फरमाए हमारे कलूब को तहारत नसीब फरमाए हमारे कलूब में वो ईमान दाखिल करे जिससे अल्लाह राजी हो और हम रसोसम के हाथों जाम कोसर ओज कौसर से मशरूब मशरूब कोसर नसीब हो और इन शाह त्यामत के दिन हमें रसूल सल्लम का आपकी आल बैतार का और तमाम नेक कसहाब का साथ साथियामत के दिन अल्लाह तक के साथ ही वहाँ जितने पहुँच जाएँ अल्लाह ताली हम हमें उनका सब का साथ नसीब फरमाना और हमें रसोल्ला के झंडे के नीचे उनके कदमों के तले जगह नसीब फरमाना والله أعلم وما علينا إلا البلاغ المبين وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين جزاكم الله خيرا بأحسن الجزاء تقبل الله منا ومنكم أجمعين شكرا